पावर ऑफ ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट, कंस्टेंट ऊपर की तरफ जाए जा रहा है एंड ये बहुत ज़्यादा बुलिश मोमेंटम दिया। इवन अगर देखेंगे इसको वन डे के टाइम फ्रेम में हम लोग अगर करेंगे तो यहाँ पे ये अपना ऑल टाइम हाई के पास पहुँच रहा है। अब यहाँ पे जो ट्रेड था, ये ट्रेड देने का पीछे का रीज़न क्या था कि यहाँ पे काफ़ी दिनों से एक रेसिस्टेंस लेवल था जिस रेसिस्टेंस लेवल के ऊपर ये नहीं जा पा रहा था। यहाँ से ये रेसिस्टेंस लेवल से नीचे गिर जा रहा था। इवन यहाँ से एक बुलिश रैली आया था काफ़ी स्ट्रॉन्ग एंड यहाँ पे आया क्या इसका ब्रेकआउट। ब्रेकआउट आने के बाद मार्केट बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया। हम बोले थे ना ये कि जब भी ब्रेकआउट आता है जितना ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है मार्केट वो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो ये काफ़ी लंबा एक रेंज क्रिएट किया एंड यहाँ से जैसे इसमें ब्रेकआउट आया कंस्टेंटली ऊपर की तरफ गया। इवन मैंने ये ग्रुप में भी अपडेट दिया था कि बाई गैलेक्सी एवॉक 3272.75, तो यहाँ पे मेरा एंट्री पॉइंट था 3272.75। इवन यहाँ पे जो टारगेट था 3415, तो 3415 है वहाँ तक मैं मार्केट पहुँच चुका, यानी कि टारगेट अचीव हो गया। अब सेकंड टारगेट इसका 3464 जो कि उसके तरफ ये जा रहा है, तो ये भी अचीव हो जाएगा। लेकिन ये जो मोमेंटम आया ये यहीं पे इतना स्ट्रांग क्यों है, क्योंकि इसका ब्रेकआउट यहाँ पे आया था इस रेंज का, इसका रेसिस्टेंस लेवल का ब्रेकआउट आने के बाद मार्केट बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया, तो ये एक इसकी वजह से हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड बना और मार्केट कंस्टेंट अपना ऊपर रैली में जाने लगा।